गुड मर्णिंग स्टूडेंट्स आज आम आम स्वाधीनता लेसनर शेषर दो विषय आलोचना करम जक मत प्रकाश स्वाधीनता क्या है अर्थात मत प्रकाश स्वाधीनता कम सहज भाषा बुझे लगे जो वाक स्वाधीनता अर्थात मुक्त भावे मन भाव प्रकाश स्वाधीनत मत प्रकाश स्वाधीनता क्या है अर्थात मत प्रकाश साधारण आम कथा कबरा जी स्वाधीनता सी तक बुझा जाए जीतु आम एन देशर नागरिक गति केशर नागरिक हिसाब से देशखने आमक विभिन्न क्षेत्र स्वाधीनता प्रदान करे और सी स्वाधीनता समय भरते मत प्रकाश स्वाधीनता अर्थात कथा कवर जी स्वाधीनता सी एक प्रकार अधिकार जक आम स्वाधीनता कब पार जी आम राष्ट्रखने सांविधानिक भावे आमक प्रदान करे देश बस करी नागरिक निजर अभाव अभिजोग निजर प्रयोजनता व्यक्त हमें कि कब लगे विषय कब पार और सी सम्पर्क कलेहे व्यक्ति निजर प्रयोजनता पूरण करोजनता पूरण नक एजन व्यक्ति राष्ट्रखन नागरिक हिसाब से जी अधिकार सी अधिकार लाभ करबरा ना जाए गति के एन राष्ट्र संविधान आईन प्रणयन जरिए राष्ट्र बस करी नागरिक वाक स्वाधीनता अर्थात मत प्रकाश स्वाधीनता प्रदान करें बुझ लगे जे मुक्त भावे मन भाव प्रकाश कर स्वाधीनत कि क्य मत प्रकाश स्वाधीनता क्या जाए जे मुक्त भावे जे आम प्रत्येक आमार भारत राष्ट्र नागरिक गति के भारत राष्ट्र नागरिक हिसाब से देश जीव कार्य सम्पादित देश जेनेरणे परचालित परिचालित हुआ कार्य तो जदि के आम क्या असुविधा असुविधा पड़ो क्या असुविधार फल भोगा है तैयार असुविधा सन्दर्भ आम सरकार प्रशासनक आम व्यक्त करसुविधार समाज कि आम समस्या परित्राण पेल अर्थात समस्या मुक्त कर दु गति के सन्दर्भ समाज आम राष्ट्र कि प्रदान कर मत प्रकाश स्वाधीनता प्रदान कर अर्थात प्रत्येके जाते निजर मनर भाव तो प्रकाश करे आनजर मनर भाव आदान प्रदान जी स्वाधीनता जी अधिकार आमक आम राष्ट्रखने प्रदान करिसे ताके कि बुली कोआ जाए मत प्रकाश स्वाधीनता कोआ जाए केतिया केतिया इतना मत प्रकाश बुली निदि वाक स्वाधीनता कब पारे गति के वन मार्क्स जदि मत प्रकाश स्वाधीनता माने कि वन मार्क्स जदि क्वेश्चन सोधे तेतिया लिखिब लागिब जे मुक्त भावे मनर भाव प्रकाश कर स्वाधीनता के मत प्रकाश स्वाधीनता कोआ जाए इतना कथा तो हल मत प्रकाश स्वाधीनता माने कि आम बुझिल भारत राष्ट्र संविधान प्रणयन हर समय संविधान 19 क नং अनुच्छेद अर्थात आम भारतीय संविधान देशर नागरिक प्रयोजनता पूरण कर निमित्ते छह प्रकार मौलिक अधिकार प्रदान करिसे और सही छह प्रकार मौलिक अधिकार भर प्रथम तो अधिकार नामे हल समतार अधिकार और तार लगते द्वितीयटो हल स्वाधीनतार अधिकार ए द्वितीय जी मौलिक अधिकार स्वाधीनतार अधिकार बुली आमी कौं सेई स्वाधीनतार अधिकारे एटा अनुच्छेद जी अनुच्छेद 19 क नং अनुच्छेद नामे जाना जाए और सही अनुच्छेदते भारतीय नागरिक मत प्रकाश स्वाधीनता सन्दर्भ वितंग आलोचना अर्थात भारतीय संविधान 19 क नं अनुच्छेद देशर नागरिक मत प्रकाश स्वाधीनता सन्दर्भ आलोचना गति के हल थूलमूल विवरण जे जक मत प्रकाश स्वाधीनता क्या जाए इतना कथा तो हल जीत आम आगत पाई स्वाधीनता कर लगे लगे मुक्त भावे लाभ कर एक प्रकार अधिकार तत्क्षत आम स्वाधीनता जेनेरणे विचार सही मते जानू आम लाभ करूँ जानू आम नो ठीक तेने मत प्रकाश स्वाधीनतार क्षेत्र तो किसान बाध्यबाधकता आम संविधान आरोप कर मत प्रकाश मुक्त भावे पारे बुलिए व्यक्ति सको क्षेत्र सको समय जिको क्षेत्रते निज मत प्रकाश तेने किसान क्षेत्र इतना बाध्यबाधकता आरोप कर कि बाध्यबाधकता आसेकटा आम जानि लं प्रथम राष्ट्र अखंडता और सार्वभौमत रक्षार सहित जड़ित कथा देशर नागरिके तेने क्षेत्र निजर मत प्रकाश अर्थात कि बुझिला जे राष्ट्र अखंडता और सार्वभौमत खातिर अर्थात तुमी बा मैं बा आमार देशर जिको नागरिके एने कथा कब नी कथा राष्ट्रखनर जी एकता मानुखिनिर मजत जी सहयोगिता सेई सहयोगिता भंग करे द्वितीयत आहिल राष्ट्र निरापत्ता और आंतरराष्ट्रीय सम्पर्क क्षेत्र राष्ट्र निरापत्ता आमी नागरिक हिसाब से जी थे आमक
আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ নিৰাপত্তা লাগিব গতিকে সেই নিৰাপত্তাৰ দিশটো ভংগ হ'ব পৰাকৈ কোনো ধৰণৰ মতামত আমি কেতিয়াও ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰিম লাগিলে আমি সেই দেশৰ ভিতৰৰ কোনো নাগৰিকৰ সৈতে হওক বা অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ কোনো নাগৰিকৰ সৈতে নহওক আমি তেনেধৰণৰ কোনো বাৰ্তালাপ আমি কৰিব নোৱাৰিম যি কথাই আমাৰ দেশৰ অখণ্ডতা বা দেশৰ যি নিৰাপত্তা সেই সুৰক্ষা বেষ্টনীটোক ভংগ কৰে তৃতীয়তে আহিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ যে সমাজত আমাৰ সামাজিক স্বাৰ্থ বা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে আমি বহু ক্ষেত্ৰত বহু কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ তেনেধৰণৰ হয়তো কিছুমান কথা আমাৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত বিঘ্নিত ঘটাব পাৰে হয়তো এজন বা দুজনৰ লাভ হ'ব কিন্তু গোটেই সমাজখনৰ হয়তো সি কি কৰিব পাৰে অপকাৰ সাধন কৰিব পাৰে গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো মন্তব্য আমি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিম চতুৰ্থত আহিল সামাজিক শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যে সামাজিকভাৱে আমাৰ যি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমাৰ যে সমাজখন যেনেধৰণে পৰিচালিত হৈ আছে এই শৃংখলাবদ্ধ সমাজখন যাতে কোনো কাৰণতে সমাজৰ এই শৃংখলিত যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো যাতে ভংগ নহয় অৰ্থাৎ সমাজখন এটা নিয়মৰ মাজেৰে পৰিচালিত হৈ আছে আৰু এই নিয়ম সকলোৱে মানি চলিব লাগে গতিকে সেই নিয়ম ভংগ কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য বা মতামত দেশৰ কোনো নাগৰিকে প্ৰদান কৰিব পৰাও ক্ষমতাও আমাৰ সংবিধানখনে আমাক প্ৰদান কৰা নাইকিয়া গতিকে এনে এনে এইবোৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকে যদিও বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিছে এই যিকেইটা বিষয় আলোচনা কৰিলোঁ যি চাৰিটা বিষয় এই ক্ষেত্ৰসমূহত নাগৰিকে যিকোনো সময় যিকোনো ধৰণৰ মতামত কেতিয়াও প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান সীমাবদ্ধতা আমাৰ সংবিধানখনে আমাৰ ওপৰত আৰোপ কৰি দিছে গতিকে এইটোৱে হ'ল মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ সন্দৰ্ভত আমি কেনেধৰণৰ যুক্তিসংগত বাধা আমি লাভ কৰোঁ সেইখিনিয়ে হ'ল ইয়াৰ মূল বিষয়খিনি গতিকে আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ মূল বিষয় এইখিনি আৰু ইয়াৰ এইটোৱে হ'ল আমাৰ স্বাধীনতা লেচনটোৰ শেষৰটো বিষয় গতিকে থেংক ইউ।